पत्नी और बच्चों ने माने सबने साधना दी क्योंकि रो मत के चिंता मत करो मारे भाई ने जो मारियो गए तो मैं भी बदलो योगने दे दूंगे उठे हमने साधना दे और हिन्ने कर सको मंद्राचल पर्वत माते तपस्या करने वास्ते ब्रह्मा जी ने तपस्या करने अजर अमर हुआरो वरदान पाने वास्ते गए जी बटे तपस्या करने गयो जिन गुफा में गयो मंद्राचल पर्वत तू तपस्या में बैठियो तो वटे देवताओं प्रेरित रहे ने वटे नारजी महाराज और पर्वत पर्वत है दो पक्षी बने दो पक्षी बन ने वटे वे कीर्तन कर लगा और वे कीर्तन गाई करे श्रीमती नारायण नारायण तपस्या करने गयो पर्वत पर नारजी महाराज पक्षी बन और वे भगवान विष्णु का कीर्तन कर रहे हिरण्य कश्यप देख रहे ए अटल पक्ष ए पक्षी ए अटल मारे शत्रु नाम ले जब वे उठे जोर जोर बड़ी मधुर सरसु कीर्तन कर लगा तो हिरण्य कश्यप तपस्या कर लियो तब उठ ने उन पक्षियों ने बाहर निकाल दिया पर तू बाहर निकले भाई एक पक्षी अटे बैठो एक उठन बैठो उन लारे दौड़े तो वोट इन बीच में आ जावे छोटे वो पश्चिना लत पत्र गयो हिन्य कसर बड़ो बलशाली बलशाली पर तो गुफा मु उन दो ही पक्ष ने बारे नहीं निकाल पाए पर तो तपस्या में बैठे तो वे कीर्तन करे तो उन मन भी उन लाल लारे वो भी हिन्य कसर पर मन भी छोटे श्रीमद नारायण 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 बजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ईश्वरी नारायण 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 नीचा तो भी हिरण्य कश्यप मन बटे वे भगवान विष्णु लो नाम ले हिरण्य कश्यप बड़ो हैरान हो गयो और कई बार हिरण्य ने देखो ध्यान देखो मुंह जो बात बताऊ मैं आपने कहीं आपको बस में जाओगे बस में जाओ जने हमें जरूर थोड़ी के बस वाला अपने अनुकूल ही उठे कोई गीत गा ले हम उनमें कोई साधु पुरुष बैठो सज्जन व्यक्ति बैठो ने वो गाड़ी रो बस रो ड्राइवर है जो फिल्मी गीत गा लिया हम घणी आपको चाहो कि भाई एटून मैं नहीं बोलूँ परंतु मन में हर हमें दुष्ट है हाथ आते वो भी उठे वे फिल्मी टून की गीत गाऊँ डूब जा गावे तुम गावे घणी आपको चाहो कि नहीं रहना सीखते वो दुष्ट है मन है तो हिन्ने कश्यप बड़ा हैरान रह गया कि मैं विष्णु नाम लियो ने मन ने गणे के पर तो मन तो रही कोई हिरण्य कश्यप बड़ो हैरान रहे थाक थोक ने दो पक्ष ने बारे नहीं निकाल पायो पसना में लतपत रह गयो जने मन में विचार करियो कि तपस्या करूं ना आया नहीं जने मने हुगन बराबर नहीं दिया इन वास्ते वो फाचो घर की
जिन टाइम वो तपस्या करो निकल रही उन टाइम आपकी पत्नी ने कहिया दू ने कहना आया था कि मैं तपस्या करने जा रही हूं, मैं फाचो हूं ना पुनी थने जी तो भावे जी तो ही तू भोजन बनी दिए क्योंकि जब मती के तब थर थर तो भोजन बना जाए क्यों ये ठंडा रह गया ना कौन खावे कई बार रहे ना गर्दन कटी बार रोटी खाने पर आवे पति जी घरवाली घर रोटी पी जी बनाने थप्पी देने रख दे ना देवता आवे रात रबार यही बुझियो के जीवना के नहीं मुझे जीवना है वह पचाव बबलो रह कर लो ते मन पहले क्यों नहीं किया ना मैं तो बाटी पोई ना ते हैं ठंडी रह गई ना कौन खाई ना कोई करी ना एक 500 गीत उठे चल इन्हीं तरह इन वास्ते तो वो हिने कसम कह दियो पहले के नहीं दियो कि थने भावे जी तो बनाई दे मु तो जा रही तपस्या तो करने जरम रमना तो हिने कसम तो वो तो होंदरी रात पाच आई गयो पाच आउत ने भूख लागड़ी थी क्योंकि उन भूखार माने खूब दौड़ी हूं चुन तो न पक्षण बार करने वास्ते तो आउत ही कह दो कहयो अरे कह दो मन तो भूख लागी करो ठीक है अरे ठीक है पर तो थे तो क्यों नहीं मैं तो पाचो नहीं रही बात भोजन थे तो क्यों मैं उतो ही बनायो हमें तो और भोजन से तो ठहरो थे पहली बात तो यू बताओ कि थे फाचा की कराया कोई बात नहीं तपस्या को ज्ञान थे तो अरे कत कहया तो थने कही क्यों आप बातों में फचे क्यों पर तू पहली तो मारा पेट में माने दावा पड़ दिया भूख लगी तू रोटी खवा ठीक है भगवान मैं रोटी बनाऊं पर तू बताओ तो खरी कोई रियोटे गुफा में ओटे इन्हें कश्यप ने बार 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 बड़ी कोडू लाडू बड़े इसने पूछे और वह रोटी की भी तैयारी करे जो जो बार बार पूछे तो हिने कश्यप रहे मन में वेग वा कीर्तन उन्हें मन में मान भाचा आवे वे बातो और जो रोटी भी बनाई रोटी परोस परे में हिने कश्यप ने और मैं कने बैठ गई कह दू और पंकार बारो देवे ने कह क्या ले बताओ तो खरी वे पक्षी कोई विघ्न करियो अरे थने कोई बताओ कया दो वे पक्षी उठे बोलता था कोई बोलता था ध्यान दीजिए भाई कोई बोलता था बार बार पूछो तो उन्हें मन रे माने वही वापस कीर्तन और उन्हीं कीर्तन साथे उन्हीं भावरे साथे वे जब सो गया कयादु और हिरण्य कश्यप सो गया तो उन्हीं भावरे साथे वे कयादु और हिरण्य कश्यप ने मुंड से निकल पड़ियो कि वे दो ही पक्षी उठे श्रीमद नारायण 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 दूसरे दिन हिरण्य कश्यप तपस्या करने वास्ते वापस रवाना रहियो जने कयादु अपनी गरुड़ानी कियो कहे हाँ कि तू मर हम यहाँ पे तू मने उगंध दे हमें कयादु उठे सुगंध दे रही है तो हमें देखियो हमें नहीं तपस्या सफल रहना क्यों कि उन कयादु गर्भ माने भगवान रो भगत है जय हो पहला आदमी हर वास्ते हमें कोई भी कहीं यहाँ पे कया हिरण्य कश्यप गए तपस्या करने अभी हिरण्य कश्यप तपस्या करने गयो इंद्र ने देवताओं ने परेशान देगी कि वो तो ब्रह्मा जी रो तब तपस्या करने अजर अमर जी तो अटे इंद्र उठे हिरण्य कश्यप जो पत्नी थी कयादु उन्हें कौटू घरों उठाई और लेने चाहियो
इतना में नारद जी महाराज आया। अरे अरे इंद्र कोई करे के नारद जी महाराज के इन्हें कयादुर गर्भ माने हिने कश्यप की संतान है और मोरो शत्रु है, इन्हें मैं खत्म करूं, क्योंकि ए इन्हें गर्भ माने थारो शत्रु नहीं है, वो भगवान रो बहुत बड़ो भगत है। यदि तू इन्हें कोई सती रति मात्री नुकसान पहुंचाए हो, सती पहुंचे तो भगवान को ते बच नहीं पावना। पोटे नारद जी महाराज कयादु ने उन्हें इंद्र सुख दे ने अपने आश्रम आ गया। और उठे भक्त प्रहलाद अपने मार गर्भ में नारद जी महाराज सु सारी भक्ति रो ज्ञान पूर्व परमात्मा रो तत्व रो ज्ञान उठे प्राप्त कर लियो। हिरण्यकश्यप तप तपस्या कर ब्रह्मा जी कनु वरदान पाए ने वापस वो आवे और जी वो घरे आवे। इधर ध्यान दीजिए, हिरण्यकश्यप प्रवटे जो भक्त प्रहलाद रे जन्म रे, भक्त प्रहलाद रे जो शुक्राचार्य पुत्र था संड और अमर, वे देवकी बालकों ने पढ़ाकर तो प्रहलाद ने भी उठे पढ़ने वास्ते भेजियो। पढ़ जब वो पढ़े सामने जब वापस घरे आयो तो हिरण्यकश्यप अपने बेटा ने गोदी में ले ने कहो कि बेटा तू स्कूल में गिजो कोई पढ़ियो, जो पुत्र जो कुछ भी तुम अच्छी बात पढ़े हो उसको तुम सुनावे। तो प्रहलाद कहे कि हे पिताजी, संसार के प्राणी अहंकार और ममकार रूपी ग्रसित है, उनसे भी दुखी होते हैं। ऐसे प्राणी के लिए मैं तो यही अच्छा समझता हूँ कि घर को घर तो उसके लिए अंधक हुआ है, घर क्या है अंधक हुए के समान, इसलिए वे घर को छोड़कर के वन में जाकर के भगवान का भजन करें। जब प्रहलाद हिरण्यकश्यप खुद रे बेटा रे मुंडव अड़ी बात विष्णु री भक्ति री बात सुनी तो एकदम अजीब लगी कि हिरण्यकश्यप देखियो कि जरूर कोई ना कोई गुरुकुल में देवताओं का पक्षपाती छोकरा पड़े जो मारे छोकरा री बुद्धि बिगाड़ दी। उठे गुरुपुत्रों ने बुलाया कि मारे छोकरा ने इन तरह शिक्षा कौन दी, क्योंकि भगवान हमने तो ऐसी इनको शिक्षा दी नहीं, ये तो अपनी इच्छा से इस तरह से बोलता है। तो वहां पर गुरुकुल में उनको ले गए वापस गुरुपुत्र संड और अमर। उन्होंने कहा कि अरे पहला तेरे अंदर ऐसी बुद्धि कहां से आई? तो पहला जी कहते हैं कि हे गुरुजी, जिस तरह से चुंबक से लोहा अपना आप खंच जाता है, इसी तरह से परमात्मा की स्वच्छंद शक्ति के कारण मेरी बुद्धि संसार से खींच करके परमात्मा में लगी रहती है। जब ऐसा कहा पहला जी ने गुरुजी को भी, तो गुरुजी ने कहा अरे तुम अपने मन मर्जी से पढ़ाई करता है, तो विचार करता है हम तेरे को जैसा पढ़ावे जैसा समझावे वही तेरे को पढ़ना है, उससे अलग तेरे को नहीं समझना नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा डरा है धमका तो पहला बालक है गुरुजी ने द्वारा उठे, तो वहां पर उनको अर्थ धर्म काम आदि की शिक्षा दी उन्होंने। उनके बाद में और वापस पहला घर आया तो माँ उनको स्नान कराया श्रृंगार किया और अपने पिता के पास में लेकर आई। तो वहां पर हिरण्यकश्यप ने और गोदी में बैठा करके अपने पुत्र को कहा हे पुत्र, तुम सबसे अच्छी बात जो जान पाए उसको मुझे बतावे। तो पहला जी को कोई संकोच नहीं कोई डर नहीं और अपने पिता की गोदी के अंदर बैठ करके पहला कहता है कि हो पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सांख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्ति चेनेव लक्षणा क्रियते भगवत भगवत्यर्था तन्मये अधिक मुक्तमा। हे पिताजी, भगवान की भक्ति के नौ भेद है, नवदा भक्ति, उनके गुण लीला आदि का श्रवण करना, कीर्तन करना, नमस्कार करना, उनके स्मरण करना, उन्हीं के चरणों में सेवा करनी, उनकी पूजा अर्चना करना, उनकी स्तुति करना और दासता स्वीकार करना, भगवान के प्रति मैत्री भाव और आत्मनिवेदन करना। इस तरह से वहां पर भक्त प्रहलाद अपने पिता की गोदी में हिरण्यकश्यप की गोदी में बैठ करके वहां पर इस तरह से बात बताई। तो हिरण्यकश्यप ने देखा अरे गुरु को गुरु पुत्रों को बुलाया और उनके ऊपर क्रोधित हुए और कहा कि हमारे पुत्र को तुम इस तरह से शिक्षा देते हो। तो उन्होंने कहा कि ये तो इस तरह की बातें हमने नहीं सिखाई, ना कोई इनको वहां कोई दूसरा सिखाता है, ये अपनी बुद्धि से ही है राजन ये बातें करता है,
अब हमें दोष नहीं दे। गुरु की बातें सुनकर के हिरण्यकश्यप ने पहला से पूछा, पहला से कहा कि तुम्हारी ऐसी खराब बुद्धि कैसे हो गई। तो पहला कहता है कि हे पिताजी, जो संसारी जीव विषय भोगों में आसक्त बुद्धि वाले हैं, उनकी बुद्धि भगवान की भक्ति में नहीं लगती है, और ऐसी बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हे पिताजी महापुरुषों का अनुग्रह चाहिए। ऐसी बुद्धि पाने के लिए महापुरुषों का अनुग्रह चाहिए। प्रहलाद की गोदी में जब इस तरह से वहां पर बोले तो प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने गुस्सा आया, लो कि न मारो भी भय को नहीं, मारो भी डर को नहीं, मारे डर सो सब है भी तेरे लिया, सब मारा नाम ले लिया है, विष्णु कोई नाम नहीं ले रही, मारी संतान मारी गोदी में बैठने मारे शत्रु नाम ले रहे। हिरण्यकश्यप ने बड़ा गुस्सा आयो, और जो गोदी रे मान अपने छोकर तो पहला जोर से भूमि माते पटक दिया। तो पहला कोई बाल बाप नहीं रही, पहला जो आसन लगाने पातली मारने बैठ गए। हिरण्यकश्यप उन छोकर ने प्रहलाद ने मारने वास्ते अस्त्र शस्त्र सैनिकों ने कह इनको मार दो काट दो, सब सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर के आ रहे हैं, परंतु कोई अस्त्र शस्त्र उनका स्पर्श तक नहीं कर पाए। ध्यान देना, ये भगवान की भक्ति के प्रति, भगवान की भक्ति में ये शक्ति है कि कोई अस्त्र शस्त्र उनका स्पर्श तक नहीं कर पाए। जब उनका रति मात्र बाल भी बाका नहीं हुआ तो भक्त प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने एक नहीं अनेकों वहां पर यत्न किए, पागल हाथियों के पैरों के अंदर कुचलाया फिर भी नहीं मरा, विषीले सर्प वहां पर कटाए फिर भी नहीं मरा, कृत्यों को उत्पन्न करके उनको मरवाना चाहे फिर भी नहीं मिला, विष पिलाया हलाहल तो भी नहीं मरा, पहाड़ के ऊपर से गिराया फिर भी नहीं मरा, अग्नि के अंदर डाल दिया फिर भी नहीं मरा, अनेकों यत्न करने पर भी प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। तो पहला हिरण्यकश्यप मत पकड़ने बैठ गयो खिल्लो, और तुम मारियो नहीं मरे जने। हिरण्यकश्यप बड़ो शोक में डूब गयो, मत पकड़ने बैठ गयो है, उना यत्न खत्म रह गया, फैल रह गया। तो गुरु पुत्र संग और अमर कियो थे, ओ राजन थे दुखी मत रहो, मारा गुरु जी है ना शुक्राचार्य, मारा पिताजी वे क्योड़ा जो व्याहिक है जने इन बुद्धि उतार दे, जब तक मैं इन्हें हाथों गुरुकुल में ले जाऊं। तो विषण और अमर पहला दिन वापस गुरुकुल में ले गया, गुरुकुल में ले गया। तो एक दिन गुरु पुत्र वे भी बारे जुड़ा कटी दूसरा आश्रम में गया था, तो पहला लारे इकला ने सब देती बालक, उन देती बालकों ने हाथ ले ने बटे उन्होंने सत शिक्षा दी। पहला जी उठे देती बालकों ने कहो हे देतियों, देती बालकों आप लोग विषय आसक्ति विषय आसक्त देतियों का साथ बिल्कुल नहीं करे, इनका त्याग कर दे। आदि देव नारायण का आप शरण में शरण अपनावे, वे संपूर्ण जगत की आत्मा है, वे सबको सर्वत्र सम उपलब्ध है, वे सबके अंतर्यामी हैं, वे अपनी माया से अपने ऐश्वर्य को छिपाए हुए हैं। तस्मा सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत्व स्वर्गम आश्रम भाव उन्मुच्य यया तुष्यति अघोषिता, आप आसुरी भाव को त्याग दें। जब प्रहलाद जी ने ऐसा ज्ञान दिया देती बालकों को, तो क्यों कह रहे प्रहलाद जी आज शिक्षा थे कटु लाया, ऐसा तो गुरुजी कदी पढ़ाए को नहीं, क्योंकि एक गुरुजी थोने कदे नहीं पढ़ावे ना के थोने आ शिक्षा कटु पाई, के मारा गुरुजी तो नारद जी महाराज है, मारी मारे गर्भ में थो जाने मने शिक्षा दे दी, के थोने नारद जी महाराज गुरु की कर बढ़िया बात पूरी बात बताई, कि मारी माँ ने इंद्र लेने जा रही, तो नारद जी महाराज आया उन्होंने छुड़ाई ना आप आश्रम में ले गया, वो पूरी बात जाने, क्योंकि पहला जी मैं हमें देव ऋषि नारद ने मोह गुरु जी करते ढूंढने जाओ, क्योंकि थोड़ा ढूंढने जरूरत को नहीं, मारे गुरु महाराज देवऋषि नारद मारे मारे गर्भ में शिक्षा दी ज्ञान दियो, मैं गुरु भेट दिया तो मारो ही फर्ज बने कि मैं भी आगे चेला मुंडू इनके थे हैं जना हो, तो मैं थोड़े शिक्षा दूं। के नारद जी महाराज उठे देव के बालक सब भिड़ा रिया ने उठे पढ़िया आसन लगायो, आसन लगाए पर प्रहलाद जी ने बैठाया, सब देव के बालक उठे प्रहलाद जी का पूजन भी जो करियो पूजन आदि कर सब उठे बैठ गया कने पर कने बैठ गया नारद प्रहलाद जी महाराज सब ने भगवत भक्ति रो उपदेश और भगवत भक्ति रो उपदेश दे वही द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय, द्वादश अक्षर मंत्र का उनको दीक्षा दी और दीक्षा दे और नारद जी महाराज हाँ
भक्त प्रहलाद सभी देवती बाल करे ऊपर हाथ रखियो आप लोग कृपा हाथ रखियो ध्यान दीजियो वोटे भक्त प्रहलाद अपने हृदय माने परमात्मा ने याद कर और गुरु महाराज नर जी महाराज ने याद कर जो देवती बाल कर ऊपर हाथ रखियो कि हाथ रखते ही सबरे हृदय माने भक्ति रो करंट जागियो और सब उठे जुमुने लागिया दित्य बालक और प्रहलाद जी दित्य बालक सब उठे संत अमर करे आश्रम में शुक्राचार्य आश्रम माने एक ही कीर्तन करिया है श्रीमद नारायण 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 तो सभी उठे दित्य बालक भगवान विष्णु कीर्तन मन मगन ना थे वे गणई दो ही गुरु शंड और अमर कुनान दबाने की कोशिश करे तो दो ने दबावे तो 40 कूदे हमें वे दो शंड और अमर के गुरु और दित्य बालक ने जने के इनरी मेन जड़ कौन है जान वे क्यों को इन मेन जड़ तो पहला दे तो जे वे शंड और अमर गुरु जी ते शुक्राचार्य के बेटे जो जान ने पहला दिन पकड़िया पहला दिन हाथ लगायो कि उन्होंने भक्ति रो लागो करन और वे भी गुरु पुत्र भी श्री कृष्ण ने